बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 11:15 या 11:30 हो रहा होगा। 11:30 बज रहा है। अच्छा, तो मैं आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करी, अभी आज थोड़ा लेट हो गया है। तो काम सारे फिनिश हो गए हैं, सिर्फ कपड़े बाहर निकाल के रखी हूँ मशीन से, वो डालना है सूखने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। सारे फिनिश हो गए हैं काम, और इसके बाद मुझे होमवर्क कराना है। आरुष को होमवर्क करोगे ना? आइसक्रीम खा रहे हो ना, तो कर लेना। मम्मी ये आपके छोटा बिन वाला जरीबन अभी तंगी ठंडा। हाँ, वो मैं देखती हूँ अभी। मतलब मैं देखती हूँ अभी, हाँ थोड़ी देर में देखती हूँ अभी। ठंडा हाँ, तो चलो फिर मैं जाऊँ कपड़े सूखने को डाल दूँ, और आरुष होमवर्क भी करेंगे। आइसक्रीम खा रहे तो होमवर्क करना पड़ेगा। खिला दिया? अच्छा खिलाया आपने? हाँ। अरे वाह। हाँ, नहीं मुझे नहीं, मम्मी नहीं। सिर्फ एक बार, एक बार, एक बार, सिर्फ एक बार। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अरे मम्मी ये तो आपकी फेवरेट आइसक्रीम है। अच्छा आपको पता है? मुझे चॉकलेट वाली नहीं, बटर स्कॉच अच्छी लगती है, इसके लिए बोल रहे हैं। और बटर वाली है, आती है ना पाइनएप्पल, बटर वाली है ये। तो चलिए फिर मैं काम कर लूँ, वही जो है कपड़े सूखने को डाल देती हूँ, फिर इनका तब तक खाके हो जाएगा, इनका होमवर्क कराती हूँ, फिर और आज कल पालक लाई थी ना, बोल रही थी डिनर में बनाऊंगी पालक पनीर, तो कल के ब्लॉग में नहीं बनाई थी, तो आज मैं बनाऊंगी, तो रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल मेरी बूटी, मेरी बूटी, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय बाय, गुड इवनिंग। चलो खा लो। देखिए यार मम्मी भी अभी चाची तो सूखने को नहीं, तो फिर साइकिल क्या लेके आए ना, नीचे से मुझे परेशान कर दिए। आंटी आएगी ना फिर आपको गुस्सा करेगी आरुष। ये मंडे का ब्लॉग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आज विटनेस डे है, तो मंडे को मैंने ब्लॉग शूट किया था, बट तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई तो मैं एडिट नहीं कर पाई, तो इसके लिए शेयर नहीं की। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं सोची चलो ठीक है, एडिट करके फिर शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि दो दिन स्किप हो गया है बीच में। और मैं अभी जा रही हूँ रंगोली बनाने, आज काम थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया है तो मैं सोची बना दूँ। कभी कभी बना देती हूँ, ऐसे फेस्टिवल कुछ रहता है तो बनाती हूँ, बट ऐसे भी कभी कभी मन होता है तो बना देती हूँ, अच्छा लगता है। तो ये डब्बी है कलर की, उसमें मैं शिफ्ट कर रही हूँ वाइट वाली रंगोली, जो मेन पैटर्न रहता है इससे बना देती हूँ, बाकी के जो कलर्स रहते हैं वो हाथ से भर देती हूँ। इससे क्या एकदम परफेक्ट बनता है, वैसे हाथ से बनाओ तो उतना इजीली नहीं बनता, टाइम लगता है बहुत, और इससे एकदम अच्छे से बन जाता है। आदिति, आदिति चली गई है क्लास, और आरुष मुझे कब से पका रहे, उनको टीवी देखना है। ठीक है बंतु लदाओ, ठीक फाई तू लदाओ। अरे मम्मी अगेन कॉकरोच, वो ऑगी होता ना ऑगी। अच्छा ऑगी कॉकरोच, अच्छा ऐसा। अरे नहीं ऑगी, वो और ऑगी कितनी रेटर नहीं थी, गुनगुन नाच नहीं थी है ना। हाँ वो अच्छा अच्छा, और ऐसे आई चुके रहते हैं ना। हाँ। देख पाते अच्छा सबको, और आगे को भी वो आगे का कुछ, और एक बिना भी रहता और है। पता है अगर एक एक बार ठीक है, दो बार में अगर समझ में नहीं आया ना तो अरे बात तो सुनो। हाँ बोलो। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, ये पालक रख रही हूँ, पालक क्लीन करके कल ही रखी थी, तो इसको मैं रख रही हूँ बॉयल करने के लिए, 6 से 7 मिनट तक बॉयल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, पालक पनीर बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पालक हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, बस इसको मैं निकाल के एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी, और मसाले ली हूँ टोमेटो प्याज अदरक लहसुन वगैरह, वो सब मैं ग्राइंड कर लूँगी,
और इसको मैं ठंडे पानी में डाल रही हूँ पालक को। इससे क्या पालक का कलर चेंज नहीं होता है। बैठ के खाओगे? हाँ। ये टोकरी के साथ में दूध इसमें छिलका रखना। बोल रही हूँ चेयर दो तो बोल रहे नहीं तो मैं क्या खड़े होके खाऊंगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, बोली थी ना राइस थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी तो वही फ्राई कर रही हूँ। अभी ये लोग का हो जाएगा शाम का नाश्ता। पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई में मैं ऐड की हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं उसमें ऐड कर दी हूँ जीरा और एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पीसे हुए मसाले जिसमें मैं टमाटर ली थी, प्याज था, लहसुन था, अदरक और हरी मिर्च। इसके बाद इसमें ऐड करी हूँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मीडियम फ्लेम पे करके 3 से 4 मिनट तक मसाले को भून लेना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ ये पालक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो देखिए रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ पनीर। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इस पर ऐड कर रही हूँ मैं नमक और गरम मसाला। गरम मसाला मैं पहले ऐड नहीं की हूँ, बाद में ऐड की हूँ। बस इसको मिक्स करके ढक के रख देना है। तो देखिए पालक पनीर बन के रेडी हो गई है। बस इसमें मैं 3 स्पून दही ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बस पालक पनीर बन के रेडी है। सिर्फ दिखना है। चलो आरुष खुद से आज रेडी हो गए हैं। काम कर रही थी मैं, यूनिफॉर्म बांधे हो अच्छे से। हाँ बिल्कुल। हाँ यूनिफॉर्म खुद से पहना आरुष ने। चलो चलते हैं। 3 दिन ही रहता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन रहता है। वो 3 दिन इतना भारी रहता है ना कि क्या बोलूं मैं। और जिस दिन नहीं रहता है उस दिन का दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। चलो अभी एक तो पैदल लेके जाना पड़ता है जब से वो गिरी हूँ। रास्ता अभी भी नहीं बना है तो फिर जाऊंगी तो पता चले फिर वापस से तोड़ फोड़ लूं। इसके लिए पैदल ही लेके जाती हूँ। मम्मी आज हम रिक्शा से चलते चलो अभी। चलो टाइम हो, चलो छोड़ के आती हूँ। तो आप कार से चलते। हाँ कार से चलते। चलो आप चलो चलो छोड़ के आती हूँ। आदि आरुष रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख दी थी तो सब मैं अंदर रख दे रही हूँ कबर्ड में। इसके बाद जा रही हूँ छोड़ने, लोग को छोड़ के आऊँगी। तो सब्जी तो बन गई है, फिर इसके बाद मैं आऊँगी जो बाकी का काम है वो करूँगी। अभी मैं वहाँ पे रुकती नहीं हूँ क्योंकि आरुष रह लेते हैं, अभी अच्छे से रहते हैं तो छोड़ के आ जाती हूँ मैं। अगली छोड़ के हालत खराब हो जाती। बहुत ज्यादा देर का गैप भी नहीं है, बस थोड़ी देर बैठो फिर लेने जाने का टाइम हो जाता है। कुछ भी करने का तो मन नहीं करता क्योंकि 1 घंटे का रहता है गैप, 1.5 घंटे का क्लास रहता है, 15 मिनट मतलब जाओ छोड़ो वहाँ पे, फिर थोड़ी देर रुको 10-5 मिनट फिर छोड़ के आओ। तो फिर ऐसे भाग भाग के आके ना कुछ करने का मन नहीं करता। यही बैठी हूँ आज यहाँ से मैं किचन में गई ही नहीं,
और नहीं करी आटा नहीं होती वो जा रही लेके आऊंगी फिर इसके बाद आके बनाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ ये लोग को लेके और आधे और फ्रेश होके बैठे हैं भी आ गए हैं। तो बस मैं ये पराठा बना रही हूँ, इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। पूरी बनाने वाली थी बट बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसके लिए बोली कि नहीं पराठा ही बना देती हूँ। तो आरुष को मैं पराठा बोली तो उनको लगा आलू का पराठा बन रहा है, तो एक लेके गए खाने को, बोले मुझे पराठा दो, उनको लगा आलू का पराठा है। फिर जब वो खाने बैठे बोल रहे अरे इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो पराठा बोलो तो आलू का पराठा ही समझते हैं। आज मैं तुअर बॉल की थी ना, 4:30 बजे दिखाई थी आप लोगों को, तो तुअर बाहर पड़ी थी टोकरी में इधर बालकनी में वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो ये फिश देखो अदिति को मिला था किंडर जॉय में, तो ये पता नहीं कैसे दोनों में से कोई तो खेलते खुलते टोकरी में रख दिए होंगे। तो ये ब्लू कलर की थी, लाइट ब्लू कलर की थी, और ये देखो कैसी हो गई। तुअर में बॉयल सॉरी तुअर में हल्दी और नमक डाली थी ना, तो हल्दी का कलर ऐसा मतलब कलर चढ़ गया इस पर। तो आदिति अभी तुअर खा रही थी, अभी वो टाइम पे नहीं खाई थी, आरुष खाए थे अभी डिनर करने के बाद खा रही थी। तो बोल आदिति बोल रही है कि मम्मी आपने मेरी फिश को बॉयल कर दिया हल्दी डाल के। मैं बोली कौन सी फिश मैंने बॉयल कर दी, मैं बोली कौन सी फिश, मैं कब फिश बॉयल की। तो दिखाने लगी तो कैसी हो गई है, येलो कलर की हो गई है, साइड में हल्दी चढ़ गया इस पर। तो चलिए मैं करती हूँ ब्लॉक इन। और हाँ पनीर पालक पनीर बहुत 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 यम्मी बनी थी, दूध रखी हूँ दूध ना भेजे, बहुत यम्मी बनी थी, मज़ा आ गया खा के। आरुष पहले बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा कलर देख के, मैं बोली थोड़ा चखो तो सही, बोलते ऐसे ही घी और नमक लगा के बना दो पराठा, खाऊंगा नहीं खाऊंगा। फिर मैं बोली थोड़ा चखो, अदिति भी बोल रही थी नहीं खाऊंगी, फिर थोड़ा सा जब चखे दोनों तो खाए पसंद आया। अदिति बोलती थोड़ा राइस रख दो, राइस नहीं बनाई थी सिर्फ पराठे ही बनाई थी, राइस नहीं बनाई थी ये टाइम, तो बोल रही थोड़ा राइस रख दो अच्छी लग रही है। पहले कलर देख के अच्छी नहीं लग रही थी किसी को, ग्रीन ग्रीन लग रही थी। चलिए फिर करती हूँ ब्लॉग कहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।